बातचीत करने का है ना। सीता जी, आज फैसला आने वाला था, किस वजह से फैसला टला, क्या उम्मीद है आप लोग इस फैसले को लेकर? फैसला टल गया है, कल फैसला आ जाएगा। हम चारों वार्डियों ने ये आवेदन डाला था कि जो भी अवशेष निकल रहे हैं उनको संरक्षित किया जाए, तो उसी का कल फैसला आना। और भी कई चीज़ हम लोगों ने कई आवेदन किया है, तो उन सब का जो है फैसला कल आज आने वाला था, आज नहीं है, कल आ जाएगा। क्या उम्मीद है आपको इसको लेकर? उम्मीद यही है कि जो भी अवशेष निकल रहे हैं वो सारे संरक्षित हो जाएंगे, तो बहुत ही सबूत के तौर पर काम करेंगे, तो इसलिए वो आदेश ही आएगा कि संरक्षित हो। उम्मीद है हाँ। उसको करने को लेकर क्या हुआ? आज दो तरफ फैसला आने वाला था। पहला तो एसआई की जो प्रार्थना पत्र हम लोग दिए थे कि जो सर्वे में मिल रहे हैं, जो सबूत मिल रहे हैं, जो चीज़ें मिल रहे हैं, चूँकि बताना उचित नहीं है, मना है, उसको संरक्षित कर दिया जाए, सुरक्षित कर दिया जाए। और उसको सुरक्षित करने के लिए करते हुए जिलाधिकारी को या किसी को दे दिया जाए, वो सुरक्षित हो जाए। इस पर आदेश आना था, एक आदेश आना था कि जो अंजुमन इंतजामिया द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है कि कमीशन की जो कार्रवाई हो रही है इस पर बिना फीस जमा किए हो रही है, इस पर हम लोगों ने आपत्ति दिया था कि मुद्दा आपने हाई कोर्ट में उठाया था, हाई कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, फिर जिला कोर्ट में क्यों? इस पर भी एक आदेश आना था, और आदेश इसलिए नहीं आया कि जिला जज ने आज आदेश के लिए कल डेट लगा दिए हैं। हालांकि कंडोलेंस है, लेकिन कंडोलेंस से जिला जज का आदेश पर असर नहीं पड़ना चाहिए। और एक प्रार्थना पत्र जो मुकदमा दाखिल किया गया है शैलेंद्र पाठक व्यास द्वारा, जो सिविल डिवीजन के हैं, मुकदमा नंबर 844/23 वह अंजुमन इंतजामिया और काशिफ ट्रस्ट के खिलाफ दाखिल किया गया है, उसमें टीए डाला गया है, और टीए जिला जज के यहाँ डाला गया है। टीए में सारे उपचारें पूरी हो गई हैं, रिपोर्ट भी आ गई है, और अंजुमन इंतजामिया का आपत्ति भी आ गया है, उस पर आज सुनवाई होना था, इस पर सुनवाई कल होगा। हाँ, सुनवाई कंडोलेंस की वजह से चल गई है, फैसला भी कल आएगा, सुनवाई भी कल। आज देखिए दो प्रमुख बिंदु हमारे थे, एक तो ऑर्डर आना था 370 ग, जिसमें हम लोगों ने कहा था जो भी साक्ष्य सबूत सर्वे के दौरान मिल रहे हैं उन साक्ष्यों को सबूतों को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए जिलाधिकारी को सुपुर्द कर दिया जाए, इस पे एक आना था। एक मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी कि बिना शुल्क जमा किए ये लोग सर्वे कर रहे हैं एसआई वाले, इसलिए सर्वे को रोक दिया जाए। तीसरा बिंदु, हम लोगों ने कल नया सूट दाखिल किया है कोर्ट में, माननीय न्यायालय में, ब्यास जी के तहखाने पर जो है कहीं कोई कब्जा न कर ले या तोड़फोड़ न करे, चूँकि वो ब्यास जी का तहखाना जो है 1993 तक उनके कब्जे में था, स्वामित्व में था, वो पूजा पाठ राग भोग करते थे, कथा चलता था। 1993 में बैरिकेटिंग के बाद उनको अंदर जाने से रोका गया, जिसकी वजह से वो तहखाना जो है वो बैरिकेटिंग के अंदर जो है कहा जाए कि जो है प्रशासन के अधीन आ गया था। अब हम लोग चाह रहे हैं कि उसमें मुस्लिम पक्ष कब्जा न करे, इसलिए जो है उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने जो है एक मांग किया है, एक सूट दाखिल किया है कि ये तहखाना उनके शैलेंद्र कुमार ब्यास जो उनके उत्तराधिकारी हैं ब्यास जी के, उनको या तो सुपुर्द किया जाए या तो जो है डीएम को रिसीवर बना के वो जो तहखाना है उसको उनके रिसीवर बना के उनके अधीन कर दिया जाए, उनके कब्जे में दिया जाए, ताकि मुस्लिम पक्ष जो अंजुमन इंतजामिया उस पर कब्जा न करे, दावा न करे। तो ये दो तरह की मांग थी जो है जिसपे आज सुनवाई होनी थी, ये कल का डेट उन्होंने माननीय न्यायालय ने जो है दे दिया है। एक फैसला भी आने था जिस जो एसआई सर्वे रिपोर्ट को तो सुरक्षित करने की बातें जो की जा रही थी, उसके वही उस पर जो फैसला है उस पर भी फैसला कल आएगा। आज नहीं, आज कंडोलेंस की वजह से कोई सुनवाई नहीं हुई, कल जो है उस पर फैसला आएगा। जी पूरी उम्मीद है, जो जो हमारे साक्ष्य हैं वो पूरे तो निकल रहे हैं, और साक्ष को सुनिश्चित रखने के लिए हम लोगों ने आज जो डाला था, तो आज फैसला ना आकर के वो कल फैसला आएगा और कल सुनवाई भी होगी। हाँ, हमें लगता है कि पूरी उम्मीद है कि डीएम के पास सुरक्षित रखा जाएगा वो फैसला, तो इसीलिए हम लोगों ने मांग की है कि डीएम के को सौंप दिया जाए और जो हमारे साक्ष्य निकल रहे हैं वो सुरक्षित जगह पे रह के आएंगे। बिल्कुल हो सकता है, जब उन्होंने हमारा मंदिर ही कब्जा कर लिया है, और जो मंदिर के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, जो साक्ष्य निकलते हैं, जो और भी उन्होंने वो किया था, उसको खंडित किया था, और भी खंडित कर सकते हैं, इसलिए हम लोग साक्ष्य को चाहते हैं कि सुरक्षित जगह पे हमारे रखे जाए, और जो हमको पूरा विश्वास है कि हम लोग डीएम को सौंपना चाह रहे हैं इस चीज को। आज फैसला आने वाला था, साक्ष्य को संरक्षित करने
देखिए काशी की चार वादी महिलाएं जो कि जो सर्वे के दौरान जो प्राप्त वस्तुएं हैं जिलाधिकारी के संरक्षण संरक्षित करने के लिए ये 370 ग के अंदर जो वाद दाखिल किया उसका आज फैसला आने वाला था, लेकिन कंडोलेंस कांड आज नहीं आया। दूसरी चीज 358 ग जो कि मुस्लिम समाज इस पर आपत्ति करता था कि जो है बिना सर्वे का शुल्क दिए सर्वे कर रहे, सर्वे अविलंब रुकाए, उसका ही फैसला उसके सुनवाई था। और तीसरा जो कल माननीय विष्णु शंकर जैन जी ने वाद दाखिल किया है जिसमें ये था कि 250 वर्षों तक जो भूतल हाँ उसमें जो है व्यास जी का कब्जा था, लेकिन 1993 में राजनीतिक कारणों से जो देशवश उनको बैरिकेडिंग लगाते से उनको बाहर कर दिया गया था, लिहाजा अब उनको जो खाली हो गया है तो व्यास जी को उसमें स्थापित किया जाए। और ख़ास तौर से उत्तरी दिशा में जो नंदी है और वहाँ वहाँ से लेकर के जो है उनको जो है आवाज़ में मार दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल फैसला बिल्कुल पक्ष में आएगा, एकदम पक्ष में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल पक्ष में आएगा। देखिए इसीलिए तो खास तौर से हम लोग संरक्षण की मांग कर रहे हैं 370 का के अंदर कि जिलाधिकारी का संरक्षण रहे तो संरक्षित हो सका, इसीलिए तो यही तो है ना कि हमारे साक्ष्यों को छिपाने का प्रयास ना हो, हमारे जो है जो साक्ष्य जो है उनको जो है ओवरलैप ना हो सके, उनको जो है वक्त आने पर सुरक्षित रखा जा सके। देखिए खुल के मालूम तो सब है, मालूम तो जरूरत से ज्यादा है, क्या बोलना उचित है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ सारा सब कुछ है, वार्ता चल रही है। जिस समय मानी योगी जी ने यह कह दिया था कि अब ज्ञानवापी मस्जिद कहना जो व्यर्थ है, दूसरी चीज दूसरा बिंदु उन बिंदुओं पर ध्यान दिए, दूसरा बिंदु कहा गया है त्रिशूल कहाँ से आया, तीसरा बिंदु उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज अब आगे बढ़कर के वार्ता करे, तो यह उसी क्रम में ये वार्ताएँ हो रही हैं। और तो देखिए मुस्लिम पक्ष नहीं, जो योगी जी ने कहा कि वार्ता करनी चाहिए उसी क्रम में हो रही है वार्ता जो है, हमको अच्छी तरह मालूम है कि कहां से क्या क्या है, वार्ता हो रही है और वार्ता होनी भी चाहिए।